हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और इस पार्ट के अंदर हम नेक्स्ट जो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको जो है दो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कराई थी और आज जो है ये हमारी थर्ड वीडियो है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। अगर आपने दो वीडियोज ना देखे हो तो उन्हें भी जरूर देखें, क्योंकि उन्हीं के बेस पर हमारी आज ये जो थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है हम जो करने वाले हैं थर्ड वीडियो, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, और ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक, कि रिसर्च की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी क्या क्या, मतलब कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए रिसर्च की। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि आप जो भी काम बोल रहे हैं या जो भी आप बता रहे हैं किसी को, तो वो जो है हर जगह पर एप्लीकेबल हो, हर कोई अपना पर्सनल व्यू उसके ऊपर ना दे, यानी कि सब उसको बराबर माने। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि सबके लिए एक कोई फॉर्मूला है तो वो सबके लिए वही रहेगा, यानी कि उसमें कोई आप ये नहीं कहेंगे कि H2O यानी कि वोटर है तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये वोटर नहीं है। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि हमारी रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बेस होनी चाहिए। नेक्स्ट जो था हमारा वो था वैलिडिटी। जो हमारी वैलिडिटी है वो भी सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इसके अंदर है, और वैलिडिटी के अंदर भी वही सेम चीजें बताई गई हैं कि हमारा जो जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो साउंड होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, और कोई जो भी हमारा एक्सटर्नल कुछ भी चीजें हैं वो उसके ऊपर जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स आप उसको कह सकते हैं या फिर कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, वो जितने ज्यादा रहेंगे उतनी हमारी वैलिडिटी कम रहेगी, जितने कम रहेंगे उतनी हमारी वैलिडिटी ज्यादा रहेगी। आइए अब हम हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, और आज के वीडियो के अंदर हम फर्स्ट जो है रिलायबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि रिलायबिलिटी क्या है। ये रिलायबिलिटी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द इन्वेस्टिगेशन प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट, इट कैन ऑल्सो टर्म्ड एज वेरिफिएबिलिटी। इट मीन्स इसके अंदर आपको क्या बताया गया है कि हम क्या कर रहे हैं रिलायबिलिटी। जैसे कि आपने एक रिसर्च की, आपने जो है मान लेते हैं आप टीचर हैं, आप बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट में आपने क्या है सेम क्वेश्चंस दिए हैं, पांच क्वेश्चन आपने बच्चों को दिए थे और पांच ही क्वेश्चन आप उसी का टेस्ट ले रहे हैं सेम। अब क्या है, आप क्या कर रहे हैं कि आपने जो टेस्ट लिया था, आपने जो बच्चों को बताया था कि ऐसे ऐसे आपको करना है, अब वो बच्चे वैसा वैसा उसके अंदर कर रहे हैं। अब आपने इसी तरीके से जब दूसरे बच्चों के ऊपर वही मेथड अप्लाई किया, आपने पहले उनको क्वेश्चंस के आंसर भी दिए, क्वेश्चंस भी दिए, फिर आपने उनका भी टेस्ट लिया, तो उनका भी रिजल्ट जो हमारे फर्स्ट सैंपल था, सेकंड सैंपल था, उन सबका रिजल्ट कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। उस रिजल्ट के अंदर हम ये कह सकते हैं, मान लेते हैं कि जैसे कि 90% बच्चे ऐसे हैं जो सारे ऑप्शन जो है सारे आंसर उनके करेक्ट है, और आपने अलग अलग सैंपल अलग अलग ग्रुप में बच्चों का टेस्ट लिया और सभी का जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारा जो रिलायबिलिटी है, यानी कि हमारी रिसर्च कैसी है, रिलायबल है, इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं कि ये रिसर्च हमारी सही होगी। नेक्स्ट आता है, और इसी का दूसरा नाम हम वेरिफिएबिलिटी भी कहते हैं, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, अब मैंने टेस्ट लिया तो मैं उसको वेरीफाई ही कर रही हूँ। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, ये क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी, जो हमारी वैलिडिटी है इससे जो है ये मैच करती है एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट होना चाहिए, हमारा रिजल्ट जो है वो सही होना चाहिए। एक्यूरेसी किससे रिलेट कर रही है, वैलिडिटी से रिलेट कर रही है। मेजर वेदर टूल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये मेजर करती है कि जो आप टूल्स या टेक्निक या मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, जो जब वो मेजरमेंट के लिए उनको लगाया जा रहा है क्या वो एक दूसरे से मेजर मतलब मैच कर रहे हैं, क्या वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। और दूसरी चीज हम एक्यूरेसी के अंदर क्या देखेंगे कि जो रिसर्च का प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं क्या वो हमारे रिसर्च के प्रॉब्लम के ऊपर सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, हम ये चेक करते हैं एक्यूरेसी में। एक्यूरेसी के अंदर क्या देखेंगे, हम एक्यूरेट देखेंगे कि हमारा रिजल्ट कितना एक्यूरेट है, और जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो हमने मेथड्स अप्लाई किए क्या वो दोनों सही तरीके से हमने अप्लाई किए हैं, अगर नहीं है तो क्या हमें उनके अंदर चेंजेस करने चाहिए, ये चीज देखी जाएगी। नेक्स्ट आता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू इंटरनल वैलिडिटी। अब देखिए एक्यूरेसी जो है रिलेटेड किससे है, वैलिडिटी से, ठीक है, क्लोजली दोनों रिलेटेड है, क्योंकि वैलिडिटी के अंदर भी हम यही देखते हैं कि राइट है या नहीं है हमारी रिसर्च वगैरह जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं। एक्यूरेसी में भी हम यही देख रहे हैं कि हम जो हमारे रिजल्ट वगैरह वो
सही है या नहीं है। अब जो क्रेडिबिलिटी होती है वो इंटरनल वैलिडिटी से रिलेटेड है। कौन सी वैलिडिटी से? इंटरनल वैलिडिटी से। इंटरनल वैलिडिटी में हम क्या चेक कर रहे थे कि कोई कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल आया हुआ है, एक्स्ट्रा कोई वेरिएबल आया हुआ है, तो जितना ज्यादा वो वेरिएबल होगा उतना हमारी इंटरनल वैलिडिटी कम होती थी, और जितना कन्फाउंडिंग वेरिएबल कम है उतनी ही वैलिडिटी हमारी ज्यादा होती थी। कन्फाउंडिंग वेरिएबल ऐसा है कि हमारी रिसर्च के अंदर वो प्रेजेंट रहता है, तो जितना ज्यादा वो प्रेजेंट रहेगा हमारी वैलिडिटी उतनी कम रहेगी, जितना वो कम प्रेजेंट रहेगा हमारी वैलिडिटी उतनी ज्यादा रहेगी। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, रिलेटेड है किससे? क्लोजली रिलेटेड है इंटरनल वैलिडिटी से। यूज ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्रेडिबिलिटी के अंदर हम क्या करेंगे, बेस्ट सोर्स का इस्तेमाल करेंगे इंफॉर्मेशन के लिए, एंड बेस्ट प्रोसीजर इन द रिसर्च, और सबसे अच्छा जो मेथड होगा, प्रोसीजर होगा, हम उसको लगाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब देखिए, बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकते हैं? या तो हम जो है प्राइमरी डाटा से ले सकते हैं, सेकेंडरी डाटा से। प्राइमरी डाटा वो होता है कि हम खुद जाकर हर जगह पर उस चीज को कलेक्ट कर रहे हैं। अब आपको कहा गया है कि आप रिसर्च करिए कि 100 स्टूडेंट के बारे में, तो आप हर 100 स्टूडेंट के पास जा रहे हैं, हर एक एक बच्चे के पास जा रहे हैं, और आप उनसे पूछ रहे हैं, उनसे क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं। एक होता है सेकेंडरी डाटा कि उन्हीं के 100 बच्चों के बारे में एक टीचर ऑलरेडी स्टडी कर चुकी है, आपने क्या किया उसकी स्टडी उठाई और उसी में से अपनी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपने वो ले ली। तो ये होता है हमारा सेकेंडरी डाटा, यानी कि जिसने पहले ही किसी ने उसके ऊपर सर्च किया हुआ है, आप वहीं से डाटा को ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिबिलिटी यानी कि बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा क्या है, और बेस्ट प्रोसीजर क्या है रिसर्च का, हम ये देखेंगे। नेक्स्ट आता है जर्नलबिलिटी, यानी कि अब हमारी जो रिसर्च है वो कैसी होनी चाहिए, जर्नलाइज होनी चाहिए। यानी कि अब ये कौन सी वैलिडिटी से रिलेटेड है, एक्सटर्नल वैलिडिटी, यानी कि कहाँ कहाँ पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कौन सी हमारी वैलिडिटी से रिलेटेड रहेगा, ये हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी से रहेगा। ये इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी का जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक कराई उस वीडियो के अंदर आपको गिवन है ये। नेक्स्ट आता है, रेफर्स टू द डिग्री टू विच रिसर्च फाइंडिंग कैन बी अप्लाइड टू ए लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि इसके अंदर ये फाइंड आउट किया जाता है कि किस हद तक हम उसको अप्लाई कर सकते हैं लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर। यानी कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल का, तो उसको हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उस जितना ज्यादा हम उसको अप्लाई कर पाएंगे उतनी ज्यादा हमारी रिसर्च की क्या रहेगी, जर्नेबिलिटी रहेगी, यानी कि हम उसको इजीली जो है अप्लाई कर पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।